पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया में नॉनवेज के शौकीन के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच सुंदरम अहुना मटन 11 दिसंबर से आपकी सेवा में सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड नवगछिया लजीज एवं लज्जेदार मटन एवं चिकन के लिए अवश्य पधारें खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नमस्कार मैं हूं निधिजा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार के प्राइम टाइम खबर। अवैध बालू खनन रोकने के लिए जिला प्रशासन सख्त नदी घाट जाने वाले रास्ते को काटा बालू माफिया द्वारा खनन विभाग के इंस्पेक्टर पर हमले के बाद जिला प्रशासन सख्त हो गई है। अवैध बालू खनन को रोकने के लिए जमुई में जिला प्रशासन ने नदी घाट जाने वाले रास्ते को काट दिया है। पटना में नजराना नहीं देने पर पुलिस ने ट्रक मालिक का सिर फोड़ा नाराज महिलाओं ने पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बिहार में सुशासन बाबू की पुलिस अवैध वसूली में जुटी हुई है अगर कोई पैसा नहीं देता है तो उसकी खैर नहीं। कुछ ऐसा ही घटना पटना के बिहटा में से आया है जहां में एक ट्रक मालिक नया गाड़ी लेकर जा रहा था जब उसने नजराना नहीं दिया तो पुलिस ने उसका सिर फोड़ा। 8 दिन से अगवा कारोबारी के घर पहुंचे जाट सुप्रीमो पप्पू यादव बच्चों को गोद में लेकर परिजनों का बढ़ाया ढाढ़स। राजधानी में अपहरित हुए कारोबारी बंधु को पटना पुलिस अब नहीं ढूंढ पाई है। 8 दिन से गायब कारोबारी बंधु को खोजने में पटना पुलिस की ओर से दावे किए जा रहे हैं लेकिन विफलता भी हाथ लगी हुई है। इस बीच कई सांसद और जनप्रतिनिधि पीड़िता परिवार से मिलने पहुंचे हैं और नीतीश सरकार को कोस रहे हैं। बिहार में कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारी तेज बिहार में टीकाकरण की तैयारी तेज हो गई है। पटना के सभी मेडिकल कॉलेज में वैक्सीन स्टोरेज सेंटर बनाया जा रहा है। टीकाकरण की तैयारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तेज हो गई है। पहले चरण में जिनको टीका लगेगा इस सूची मंगवा ली गई है। पटना के 73 सरकारी और 900 प्राइवेट अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले कोरोना के टीका लगेंगे। गिरिराज सिंह का विपक्ष पर हमला कहा अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसानों को गुमराह कर रहे हैं विरोधी दल। देश में किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस और वामपंथ केंद्र सरकार पर विरोध में लगातार आक्रामक बने हुए हैं। किसान के समर्थन में कई बार चक्का जाम किया गया है। बॉर्डर पर पूरे दम पर अपने अनाज को बेचने की मांग को लेकर बैठे हैं किसान। लगातार कह रहे हैं कि इसे राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया जाए। इसके बावजूद केंद्र और राज्य में बैठे विपक्ष के नेता इसे भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़। एक और मर्डर पुरानी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या भागलपुर सबौर थाना क्षेत्र के महेशपुर बहियार में मंगलवार की देर शाम बदमाशों ने बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। उसकी पहचान सबौर थाना क्षेत्र के दासपुर निवासी सनी मंडल पिता उमेश मंडल के रूप में की गई है। प्रारंभिक छानबीन में पता लगाया गया है कि सनी को विश्वास में बुलाकर पीछे से नजदीक से गोली मारी गई है। मामले में पुलिस ने बताया कि फिलहाल पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। कैबिनेट विस्तार पर भाजपा अध्यक्ष ने सीएम नीतीश को दिया जवाब हमारी पार्टी के काम करने का तरीका अलग। बिहार कैबिनेट के विस्तार पर सीएम नीतीश कुमार के बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अपना जवाब दिया है। अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि हमारी पार्टी के काम करने का तरीका दूसरी पार्टियों से अलग है। उन्होंने कहा है कि समय आने पर कैबिनेट का विस्तार कर दिया जाएगा। राजद ने कहा नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम कराकर बीजेपी ने देश में फैलाया कोरोना अब वैक्सीन फ्री देने की कर रही बात। देश में कोरोना कैसे फैला इसका राज आरजेडी ने आज खोल दिया है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया है कि बीजेपी ने गुजरात में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम कराकर देश में कोरोना फैलाया है। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है फिर मिले 565 नए मरीज राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 24,48,000 तक। बिहार में कोरोना संक्रमितों की रफ्तार अब धीमी हो गई है लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक राज्य में 565 लोग कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 24,48,010 हो गई है। बिहार में फिलहाल 5,484 लोग कोरोना के एक्टिव मरीज पाए गए। नवगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ।
अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437।